बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। अभी तक हमने परम्यूटेशंस को पढ़ा, अब हम कॉम्बिनेशंस पे आते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम अब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसको आप मिक्स अप ना कर दें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए इसमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा परम्यूटेशन के बारे में दोबारा से कि परम्यूटेशन में हम क्या करते थे। हमें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन होते थे, ठीक है, वो डिजिट्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन होते थे, तो हमने उनकी जो है अरेंजमेंट करनी होती थी डिफरेंट। हम देखते थे कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम उनकी कर सकते हैं, मतलब कि अगर ए बी सी हमने जिस तरह से देखा था एक ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं, तो इनकी जो है अरेंजमेंट क्या होती है, ये ए बी सी हो गया, इसके अलावा बी ए सी हो गया, ठीक है, बी सी ए हो गया, ठीक है, सी ए बी हो गया, सी बी ए हो गया, ठीक है, इस तरह की यानी कि इनको जो है अल्फाबेट्स को आगे पीछे उनकी पोजीशन चेंज कर करके उनके नंबर ऑफ पॉसिबल, अब हम हर एक यानी कि लिखते तो नहीं थे ना कि ये इसके बन सकते हैं तो फिर जाके काउंट करें, हम डायरेक्टली जो है फार्मूला हमने देखा कि हम किस तरह से परम्यूटेशन नंबर ऑफ परम्यूटेशन किस तरह से हम जो है कैलकुलेट कर सकते, तो एन पी आर फार्मूला हमने पढ़ा, ठीक है। अब परम्यूटेशन में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है कि अगर आपको, चलें इसको इस तरह से समझते हैं कि ये जो है वो एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस के नाम है, ठीक है, ए बी और सी। अगर आप इनको देखें, इनको रीअरेंज करके लिखें ना सिर्फ, तो ये भी उसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के नाम है। इनको देखें, इस परम्यूटेशन को देखें, तो ये भी उसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का नाम है, बी सी और ए, ये भी और ये भी, ठीक है। यानी कि ये सब के सब जो परम्यूटेशंस मैंने लिखी हैं, ये सब एक ही ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के नाम है, ठीक है। तो मतलब कि हमने उसको सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है, तो वो सिर्फ रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, वन एंड ओनली सेम ट्रायंगल, ठीक है। तो एक चीज ये नोट करने वाली है कि वो एक ही ट्रायंगल के नाम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर एक क्रिकेट टीम है जी, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सपोज कर लें कि ये क्या है, 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट टीम, ठीक है। तो इनको रीअरेंज करना, ठीक है, मतलब कि ये इधर आ जाए, वो उधर आ जाए, इस तरह से रीअरेंज किस तरह से हम कर सकते, कितने तरीके हैं इसको रीअरेंज करने के, वो हमने पढ़ा था, 11 जो हैं तो 11 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हैं इनको रीअरेंज करने के। लेकिन अगर देखा जाए रीअरेंज करके भी यही टीम बनेगी, ठीक है, बेशक आप इसको लास्ट पे ले जाएं, इसको पहले ले आए, जो भी इसको जिस तरह से भी रीअरेंज करें, रहेंगे तो वही बंदे ना, वही प्लेयर्स इसी टीम में रहेंगे ना, कोई और नया बंदा तो नहीं आ जाएगा रीअरेंज करने से, ठीक है। तो परम्यूटेशन सिर्फ जो है वो रीअरेंज करना है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट कॉम्बिनेशन में किस चीज पे आ जाता है, मेंबरशिप पे, ठीक है, मेंबरशिप पे। यानी कि इसमें से अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास जो है, चले अलहदा बना लेते हैं, हमारे पास 13 प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और ये 13, ये 13 प्लेयर्स मैंने यानी कि काउंटिंग ये नाम रखती है उनका, ठीक है 13 प्लेयर्स हमारे पास। अब इनमें से हमने जो है एक टीम में यानी कि 11 खिलाड़ी रखने होते हैं, 11 ही खेलते हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं खेलते, 13 तो नहीं खेल सकते, ठीक है। तो 11 हमने इनमें से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। हम कौन कौन से ले सकते हैं, 1, 2, 3, 1 से लेकर 11 तक इतने खिलाड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इतने मैं ले लूँ, ये खिलाड़ी ले लूँ जी, बाकी 12 और 13 को मैं रहने दूँ, इससे भी मेरी टीम कंप्लीट हो जाएगी। या फिर जो है 10 और 11 को निकाल दूँ और 12, 13 को डाल दूँ, तब भी मेरे 11 बंदे पूरे हो जाते हैं। देख लें, ये 9 हैं और 10 और ये 11, ठीक है। 11 की टीम मैंने कंप्लीट करनी है, तो मेरे पास ज़्यादा बंदे हैं, उनमें से मैं जो है 2 को मैं छोड़ दूंगा और बाकियों को मैं ले लूँगा, ठीक है। 11 के 11 टीम बना लूँगा। और भी इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से पहले 2 छोड़ दूं, ठीक है, और आखिरी 11 ले लूं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। मतलब कि हमने पिक करना है, ठीक है, कितने पिक करने हैं वो डिपेंड करता है। अभी तो क्रिकेट टीम की बात हो रही है, तो 11 प्लेयर्स मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, तो इस तरह से उनके कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, यानी कि अब मैं कितने कॉम्बिनेशंस बना चुका हूँ आपके सामने, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक एक कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। मैंने 11-12 छोड़ दिया, 9-10 छोड़ दिया, बल्कि 10-11 छोड़ा था, तो 12-13 ले लिया और 1 से लेकर 9 तक ले लिए, एक ही कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखें, पहले 2 मैंने छोड़ दिए, आखिरी 11 ले लिए, एक ही कॉम्बिनेशन बना। इस तरह से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हमारा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ते हुए, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं, सो इन कॉम्बिनेशन We are interested in membership, ठीक है, membership of committee कह लें या group कह लें, और group। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि वी आर इंटरेस्टेड इन मेंबरशिप ऑफ कमेटी और ग्रुप, नॉट इन वे द मेंबर्स आर लिस्टेड या अरेंज्ड, आर अरेंज्ड, ठीक है। अब हम उसमें नहीं जा रहे, अरेंजमेंट में नहीं जा रहे, ठीक है। अरेंजमेंट में तो जो है यानी कि रीअरेंज करके लिखना, इस तरह से कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, वो तो परमोटेशन की बात आ जाती है, तो इस चीज़ को जो है वो आपने कन्फ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो रीअरेंज की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे कॉम्बिनेशन में, हम इंटरेस्टेड हैं किस में, इन मेंबरशिप ऑफ कमेटी, यानी कि कितने मेंबर्स हम इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है उनका, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ से 11 मेंबर्स उठाने हैं, 13 हमें गिवन है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए, ठीक है। इस तरह से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं, आगे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फार्मूला होता है NCR, ठीक है। जब हमने परमोटेशन की बात की थी तो वो क्या था, NPR, P से परमोटेशन। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो NCR, या फिर आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, C of NR, ठीक है। या फिर थर्ड मेथड ये है कि N और R लिख के इसको इस तरह से ब्रैकेट्स में, इस तरह से, ठीक है, ये है NCR, इसको भी NCR ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिनोट करना तो हमने देख लिया, तो इसमें से हम कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन of n different objects
taken hour at a time is a set of R objects. ठीक है, मतलब के n क्या है, number of objects हैं, ठीक है, n different objects हैं, लेकिन उसमें से कितने आपने pick करने हैं, कितनों का combination बनाना है, वो R है. जिस तरह से मैंने जो example दी हुई है आपको, 13 हमें players given है, आपने इसमें से pick करने हैं 11, ठीक है, तो 11 यहाँ पर R होगा. जिस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि n इस केस में जो है n is equal to 13 है, total number of players 13 है, और इसमें से हमने जो पिक करना है कितने की टीम बनानी है वो है 11, यानी कि ये इस तरह से, ठीक है, वो r is equal to 11 है. ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसकी मैंने ये डेफिनेशन आपको लिखी दी है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स. ये सेट ऑफ r ऑब्जेक्ट बन गया ना, 1 से लेकर 11 तक, ठीक है, R जो है 11 है. तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ये भी सेट ऑफ 11 ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है, सेट ऑफ 11 ऑब्जेक्ट्स आप जितने जिस तरह मर्जी आप बनाएं, कि मैं एक और बना के दिखाता हूं आपको कॉम्बिनेशन. 1 से लेकर 6 तक ले लें और 5 और ले लें, ये ले लें 1 2 3 4 5, ये यानी कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ये आप ले लें प्लेयर्स, तो ये भी सेट ऑफ 11 ऑब्जेक्ट्स बनता है. ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन. तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो अभी हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो तब आपको ज्यादा क्लियर इसकी समझ आ जाएगी. अच्छा, ये तो अब हो गया, लेकिन अब ये डिनोट करना तो हमने देख लिया कि इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे NCR, या इस तरह से या इस तरह से. ठीक है, तो ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है NCR इज इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. और इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसके इक्वल है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, वो हम देख लेते हैं. तो सपोज कर लें कि n c r जो है वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. ठीक है, इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये आप सपोज कर लें. ठीक है, मतलब कि इसकी अभी मैं वैल्यू नहीं बता रहा आपको, मैं बस कह रहा हूं कि इतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं. जिस तरह से ये जो है हमने एग्जांपल ली हुई है क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की, ठीक है, तो ये आपके पास हैं, तो इसमें से हम 11-11 टीम, 11-11 मेंबर्स की टीम उठाते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कितनी टीमें इस तरह से बना सकते हैं हम. ठीक है, तो वो है कॉम्बिनेशन. तो हमने कह दिया कि वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो क्या है, एनसीआर के इक्वल है. ठीक है, सपोज कर लिया इसमें जो है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, और इसमें से r जो है वो हमने पिक करने हैं. ठीक है, r एक सेट बनाना है r का, तो r एट अ टाइम, इन चीजों को माइंड में रखना. उसके बाद आप देखें हर एक कॉम्बिनेशन में आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे. ठीक है, यानी कि एक सेट जो आप बना रहे हैं उसमें कितने होंगे, आर ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उन आर ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिस तरह से आर हमने 11 लिया हुआ है, तो इसमें हमेशा जो है एक टीम में 11 ऑब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, 11 मेंबर्स होंगे. अब उन मेंबर्स को हम किस तरह से जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं, कितने वेज हैं, परम्यूटेशन की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो एक सेट में, एक सेट की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो एक सेट में 11 मेंबर्स हैं, तो आर आर उसको सपोज कर रहे हैं, आर जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक सेट में मौजूद हैं, तो आर फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हैं, आर फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनती हैं.
permutations of one set of each combination. हर एक जो सेट बनेगा वो एक कॉम्बिनेशन है और उस कॉम्बिनेशन में आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और उनका अगर फैक्टोरियल ले ले जाए तो उसका परमुटेशन आ जाती है हमारे पास. ठीक है, तो आर फैक्टोरियल डिफरेंट वेज है. अच्छा, ये तो परमुटेशन एक सेट की होगी ना, एक कॉम्बिनेशन की होगी, लेकिन अगर हमारे पास तो बहुत से कॉम्बिनेशन बनेंगे. कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एनसीआर हमने पहले बताया हुआ है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एनसीआर है. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे पास जाके इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स यानी कि 13 ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन आएगी. यानी कि हम कॉम्बिनेशन के सिनारियो में बात कर रहे हैं कि हमारे हम इसकी जो है परमुटेशन भी फाइंड करना चाह रहे हैं. वो किस तरह से आएगी कि मैंने एक हर एक एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक सेट लिया 11 का, ठीक है, और उसकी मैंने परमुटेशन लिख ली. फिर मैंने एक और अलहदा से सेट लिया डिफरेंट, ठीक है, मेंबर्स से जो इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, तो उसकी अलहदा से परमुटेशन बनेगी, ठीक है, वो भी 11 फैक्टोरियल की इक्वल होगी. तो हमने 11 को आर कंसिडर किया हुआ है. तो यहाँ पर जो है देखें, आर फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ वन या ईच कॉम्बिनेशन और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल परमुटेशन बन जाती हैं. ठीक है, हम इसे कह सकते हैं फिर एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू वो नंबर ऑफ परमुटेशन के इक्वल आ जाएंगी, यानी कि एन पी आर के इक्वल आ जाएंगी. ठीक है, और आपको पता है कि एन पी आर किसके इक्वल है. ठीक है, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन पी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसी के इक्वल होता है ना. एन पी आर की जगह मैंने उसकी वैल्यू यूज कर ली है. तो अब यहां से आप एन सी आर फाइंड कर सकते हैं. एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये होता है एन सी आर, इसके इक्वल होता है. और जो मैंने ऊपर लिखा था वो मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाया, ये मैंने लिखा था. ठीक है, तो रिलेट करके यानी कि परमुटेशन से रिलेट करके मैंने आपको समझाया भी और यहां पर आपको उसको प्रूव भी करके दिखाया. ठीक है, तो इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि अब एन सी आर का फार्मूला तो हमने देख लिया. अब यहां पर एक स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि अगर आर जो है वो एन के इक्वल हो, जिस तरह से हमने परमुटेशन में भी देखा था, ठीक है, आर एन के इक्वल हो, तब ये क्या रिजल्ट देगा, वो चीज हम देख लेते हैं यहां पर. तो एन सी एन यानी कि किसके इक्वल होगा, इफ एक स्पेशल केस क्या है, एन इज इक्वल टू आर या आर इज इक्वल टू एन है, तो एन सी एन बनता है. इसमें पुट करके देखते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल, यानी कि आर की जगह क्या है, एन आ गया. ठीक है, तो यहां पर एन फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या है, एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन क्या है, जीरो, एन माइनस एन जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटू जीरो फैक्टोरियल. और जीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है. ठीक है, एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल ये बन गया इज इक्वल टू वन, दोनों कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू वन आ गया. यानी कि एन सी एन जो है वो इक्वल होता है वन के. ठीक है, ये स्पेशल केस है, इसको भी आपने माइंड में रखना है, याद रखना है इसकी वैल्यू को, याद रखना. ठीक है, और क्या हो सकता है, इफ आर इज इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा, एन सी जीरो इज इक्वल टू, पुट करके देखते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो फैक्टोरियल. तो ये क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये वन बन जाएगा और एन माइनस जीरो एन होता है, एन फैक्टोरियल आ जाएगा, ये भी वन के इक्वल, यानी कि एन सी जीरो भी वन के इक्वल आया है. ठीक है, तो ये दो स्पेशल केसेस थे. तो इसमें हमने कॉम्बिनेशंस को समझा. अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा. तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके स्पेशल केसेस थोड़े देख लेंगे, यानी कि आगे देख लेंगे इसी
टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और साथ में इसकी एग्जांपल से भी इसको समझेंगे।